हेलो फ्रेंड्स, मेरी लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने भिंडी काटी हुई है बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में, और इसको मैंने दो घंटे पहले काटा था। और ये है टमाटर की प्यूरी, इसमें मैंने हरी मिर्च मिक्स कर ली है, और ये लहसुन प्याज की पेस्ट, इसको भी तैयार कर लिया है, मतलब छोटा और बारीक टुकड़ों में काट लिया है ये मसाले। और अभी मैं इसको छोंकती हूँ, तो इसके लिए तेल गरम कर रही हूँ। और सबसे पहले मैंने इसमें जीरा डाला है। जीरा पहले इसलिए डालना ज़रूरी होता है क्योंकि ये अभी ब्राउन हो सकता है, उसके बाद फिर ये ब्राउन नहीं होता, कच्चा रह जाता है। और अब मैं इसमें लहसुन प्याज की पेस्ट डाल देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको भून रही हूँ हल्का हल्का। जब तक ये थोड़ा धीरे धीरे भुनेगा, थोड़ा टाइम लग जाता है भूनने में, तो जब तक ये भुनेगा तब तक मैं टमाटर प्यूरी में मसाले डाल लेती हूँ। ये नमक है, 2 से 3 चम्मच मैं इसमें नमक डालूंगी, और हरी मिर्च मैंने इसमें पहले ही मिक्स कर ली है, तो मिर्च सिर्फ थोड़ी सी डालूंगी स्वाद के लिए। तो अभी मैंने इसमें 3 चम्मच नमक डाल लिया है, और ये लाल मिर्च थोड़ी सी है स्वाद के लिए, और ये हल्दी थोड़ा ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि भिंडी हरे रंग की होती है, तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे तो हल्का सा कलर आ जाएगा। और मुझे नमक थोड़ा कम लगा, मैंने इसे थोड़ा सा और डाल दिया, वही स्वाद अनुसार, ठीक है। तो अभी देखते हैं, छोंक तैयार होने लग रहा है। ये देखिए अभी थोड़ा लाइट ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा इसको भून लेती हूँ। तो अब ये भुनने लग रहा है, और अब ये इसका इतना कलर काफ़ी है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ज़्यादा भूनना है कम भूनना है। तो अब ये अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें प्यूरी डाल देती हूँ टमाटर की। तो इसमें मसाले हैं जो मिक्स कर रखे हैं, ये देखिए अभी इसको मिक्स करके इसमें डाल देती हूँ, और इसको भी 2 से 3 मिनट मैं इसको उबलने दूंगी। जब ये उबल जाएगी तो फिर इसमें भिंडी डाल दूंगी। तो ये अभी उबाल आ जाएगा इसमें 2 मिनट में, तब तक मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा इसमें पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि भिंडी चिपचिपी बन जाती है ज़्यादा पानी से। और ये देखिए मैंने इसे पानी मिक्स कर दिया है। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये अभी इस तरीके से है, थोड़ी कच्ची है, अभी पकने देते हैं इसे 1 से 2 मिनट में। तो अब ये देखिए, तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बता दें फ्रेंड्स। और ये देखिए तो हमारी तैयार हो गई, अब हम इसमें भिंडी डाल देते हैं। भिंडी भी 2 ही मिनट पकानी है, ज़्यादा नहीं, और वो भी सिर्फ धीमी आंच पे, भाप भाप में, क्योंकि बहुत बारीक काटी हुई है। अगर आप भी इसी तरह काटे तो अब ये मैं इसको डाल देती हूँ, जो थोड़ी बहुत चिपक गई है इधर उधर उसमें पतीले में, तो मैं इसमें डाल देती हूँ सारी निकाल के। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो फूड से रिलेटेड वीडियो देखते हैं उनके पास आप शेयर कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए अभी मैंने भिंडी मिक्स कर ली है, और मैं इसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही रखूँगी, और वो भी धीमी आँच पर, ये इतने में ही पक जाती है। तो अभी मैं इसको ढक के रख देती हूँ। तो ये हो गए हमारे 2 मिनट पूरे, और मैं अब इसको चेक करती हूँ अभी ये कैसी हुई है। और फ्रेंड्स ऐसा करें कि इसको जैसे मतलब एक बार चेक करने के बाद वापस से प्लेट से ढककर रख दें, तो ये जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रह जाती है इसमें, तो वो आप ढकने के बाद ही इसमें इतनी पक जाती है, तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी तो भिंडी हो गई है तैयार। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, तो ये अपने आप जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कसर होगी वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक भाप में ही पक जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरी भिंडी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा? और भी मेरी वीडियोस हैं जो फूड से रिलेटेड हैं, आप वो भी देख लें। ओके, और कैसी आपको डिश लगी बनाकर खाएं, और मेरे उस पर आप सब्सक्राइब करके आप ज़रूर उसमें कमेंट कर दें, तो मेरी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।